माना कि हम तुम्हें अपनी बहू का हक नहीं दिला पाए, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी का हक देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बाबूजी, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते तो हमें स्वाभिमान के साथ जीने का हक दे दीजिए। माफ कीजिएगा पर हम आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। वाह रे तेरा स्वाभिमान, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, वो देख तेरी सच्चाई झलक रही है तेरे गले में भी और तेरे मांग में भी। अरे जब रिश्ता ही नहीं है तो रिश्ते की निशानी लेकर काहे घूम रही हो? अम्मा आप तो जानती है ना, जब तक सुहाग है तब तक सुहागन के तन पर ये सिंगार और ये निशानी तो सुहाग की लंबी उम्र की कामना है ना। समय को देखकर क्रिश को आया गुस्सा, क्रिश ने बताई समय की कुंजली। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो क्रिश है समय को टीवी पर देखता है, वो भी बिंदिया के साथ। अब जब वो समय को टीवी पर देखता है तो समय के बारे में बताता है कि इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, कभी इस लड़की कभी उस लड़की, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, कोई एक हो तो बताऊं, इसका कुछ फिक्स नहीं है। फिर हम इन्हें कैसे मिटा दे? तो साफ साफ बोल देना, अरे किसना को तो तुम इस बंधन से मुक्त कर चुकी हो, लेकिन तुम खुद इस बंधन से मुक्त नहीं हुई हो अभी तक, है ना? जवाब नहीं सूझ रहे का? अम्मा, इस देश में हमरे जैसी ना जाने कितनी बिनिया होगी जो सुहागन तो है पर नाम की। यहाँ पर कृष का भाई बोलता है मन ही मन में, अरे भाई तेरा कौन सा फिक्स है, कभी बिंदिया तो कभी पायल। अब ऐसे में दूसरी तरफ जो है कृष की भाभी भी उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करने लगती है और बोलती है हाँ कृष तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो बड़ा फेमस है, जैस्मिन जसलीन के साथ भी इसने सोशल मीडिया पर फोटो डाला हुआ है। अब यहाँ पर कृष कहता है जैस्मिन हो या जसलीन हो ये दोनों के लिए एक ही है, इसके लिए हर कोई एक ही है। दूसरी तरफ क्रिश चाहता है कि समय अच्छा इंसान नहीं है इसलिए बिंदिया उससे दूर रहे। तो आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट, जहां पर आप देखेंगे कि समय को पानी पिला रही होती है बिंदिया, उसका मुंह धुलवा रही होती है। इतने में अचानक से क्रिश जाता है और समय को एकदम दूर कर देता है और ये जो दूरी है ये अब हाथापाई में बदलने वाली है, जहां पर बिंदिया भी क्रिश को समझाने वाली है कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं तो तुम क्यों बीच में पड़ रही हो। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड में जब क्रिश को पता लगेगा कि भाई बिंदिया तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है तो यहाँ पर नया ट्विस्ट आएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।